हेलो एवरीबॉडी, क्या हाल चाल है? बढ़िया ही होंगे। दिस इज एस पंडित हियर। आज बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे मैं आपको डिस्कशन करने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। आप जैसे कि देख रहे हो, बहुत टाइम से बहुत सारे लोगों की न्यूज़ आ रही है कि कोई एक्सरसाइज कर रहा था, वर्कआउट कर रहा था, उसको हार्ट अटैक आ जाता है। तो बहुत सारे लोगों के मन में कन्फ्यूजन पैदा हो जाता है कि सर क्या वर्कआउट करने से हार्ट अटैक आता है? मुझे एक मैसेज आता है, जैसे कि आपको पता है हमारे ग्रुप है कैटलेस हेल्थ का, 30,000 के आसपास उसमें लोग हैं। कैटलेस हेल्थ टेलीग्राम ग्रुप है, उसका लिंक पहले वाले कमेंट में दे दूंगा, फ्री है। उसमें हम लोग साथ में वर्कआउट शेड्यूल, डाइट प्लान, हमारी एक टीम है। जैसे कि आपको पता है हमारी कैटलेस मसल की चेन है, 6 अभी उसमें करंटली जिम है, उसकी टीम जो है वो उसमें डाइट प्लान, डाइट शेड्यूल बनाती है और आप लोग प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं हम फ्री में। तो आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, लिंक पहले वाले कमेंट में मिलेगा अगर आपने नहीं किया है। तो वहां पर मुझे कई लोगों ने पूछा कि भाई सर आप जिम करते हो, सर जिम मत किया करो, सर जिम से सर हार्ट अटैक आ जाता है। पहली चीज तो ये है, जिम कोई करने की चीज नहीं होती, जिम एक जगह होती है। जिम एक जगह है जहां वर्कआउट करते हैं, उसको बोलते हैं। और वर्कआउट करने से कभी हार्ट अटैक नहीं आता। रीजन 3-4 चीजें सुनो कि जो लोग को ये चीजें होती है, क्यों होती है और क्या चीजें ऐसी है जो आपको नहीं करनी चाहिए। सबसे पहली चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है आपका लाइफ स्टाइल। देखो, मैं बहुत काम किया मैंने अपनी लाइफ में, और मैंने जॉब भी की है, मैंने बिजनेस अभी कर रहा हूँ, और कॉलेज के टाइम से मेरी एक रूटीन है। रूटीन ये है कि मैं वर्कआउट कभी नहीं छोड़ता, एक्सरसाइज हमेशा मेरी कंटिन्यू रहती है, और डाइट भी मैं ध्यान से लेता हूँ। लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या है, आप लोग 20 से 50 साल के होते हो, आप लोग उस पर्टिकुलर पीरियड में अपने ऊपर ध्यान नहीं देते हो, आप उल्टा सीधा खाते हो, पैसे के पीछे भागते हो, मेहनत करते हो, एफर्ट लगाते हो, बहुत सारी चीजें करते हो, बट अपने शरीर पे जो कि आपकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उस पर आप ध्यान नहीं देते, उसको आप प्रायोरिटी में पीछे कर देते हो। इसकी वजह से जब आप 50 साल क्रॉस कर जाते हो, तो उस समय जब आपकी एज एक इस पीरियड में पहुंचती जहां आपको शायद थोड़ा सा रेस्ट और अच्छी जिंदगी जीने का टाइम मिले, उस समय आप बीमारियों से घिर जाते हो, बीपी, ब्लड प्रेशर और डायबिटीज और 50 चीजों से, और दवाई खा खा के जो पैसा खर्च कमाया होता है वो उड़ा रहे होते हो, साथ में टेंशन अलग ले रहे होते हो। तो हमेशा अपना ध्यान रखना चाहिए। अब बात करते हैं कि भाई सर कार्डियो करने से मेरे को सर दिक्कत हो जाती है, सर मैं एक मेल हूं, एक फीमेल हूं, तो मुझे क्या कार्डियो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? सबसे पहली चीज है, आप जब भी वर्कआउट करते हो, वेदर यू आर अ मेल और यू आर अ फीमेल, यू हैव टू मिक्स बोथ द थिंग्स टुगेदर। अकेला कार्डियो नहीं करना है। अकेला कार्डियो मतलब आप रनिंग ही करने चले जा रहे हो और स्ट्रेंथ बिल्कुल नहीं कर रहे हो। सबसे पहले मेल की बात करते हैं। मेल बॉडी में एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है जिसको बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन, जो कि स्ट्रेंथ हार्मोन होता है। स्ट्रेंथ हार्मोन का मतलब होता है आपकी मसल बिल्डिंग, आपकी स्ट्रेंथ बॉडी के अंदर, और सारी चीजें जो है वो उससे रिलेट करती है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ रनिंग करते हो, जो कि लोग करते हैं, उनको इतना आइडिया नहीं होता, सिर्फ रनिंग करते रहते हैं, तो आप अपना हार्मोन इंबैलेंस कर लेते हो। आपका जो टेस्टोस्टेरोन होता है, पहले मेल बॉडी का एग्जांपल लेके समझा रहा, वो कम हो जाता है, और जो ईस्ट्रोजन है जो कि एक फीमेल कैरेक्टरिस्टिक हार्मोन है जो दोनों में होता है बट मेल में बहुत कम होता है, वो बढ़ने लग जाता है। इसकी वजह से आपका पेट बाहर आने लग जाता है, आपके फेस पे फैट आने लग जाता है, आपकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है, आपको वीक फील होने लगता है, एग्जॉस्टिंग फील होने लग जाता है। ये सारी चीजें तब होती हैं जब आपका ईस्ट्रोजन लेवल बढ़ने लगता है और टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होने लगता है, तो मसल आपके अंदर रहती नहीं है, लॉस होने लगता है। ये कब होता है? जब आप सिर्फ सिर्फ और सिर्फ कार्डियो करते रहोगे, अपना लाइफ स्टाइल आपका खराब होगा, आप उल्टी सीधी चीजें। हम लोग कहते हैं सर किसी को हार्ट अटैक आ गया, अरे भाई उसका रूटीन देखो, वो दारू पीता है, वो सिगरेट पीता है, वो तेल वाली चीजें खाता है, उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है, और उसके बाद भी वो चीजें ध्यान नहीं दे रहा, सो भी नहीं रहा, और उसके बाद भी जबरदस्ती वर्कआउट कर रहा है। मतलब आप अपनी बॉडी को परेशान कर रहे हो, और आप परेशान करने के उल्टी चीजें डाल भी रहे हो उस बॉडी के अंदर, तो बॉडी क्या करेगी? उसमें वर्कआउट का कोई रीजन नहीं है उसकी हार्ट अटैक का, उसका लाइफ स्टाइल खराब है। मैं आज भी अपने ब्लड टेस्ट करवाता रहता हूँ, बल्कि मेरी ब्लड में सब चीज परफेक्ट आती है, क्योंकि मैं ध्यान रखता हूँ, मैं सैलेड खाता हूँ, मैं 6 feet 1 inch मेरा हाइट है, 100 किलो के ऊपर मेरा वेट है। उसके बाद भी मेरी जो डाइट है ना, 3-4 रोटी मैक्सिमम ही है जो मैं खाता हूँ, बस दैट्स इट। 3 रोटी ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम ये जो मैं खाता हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं कि ज्यादा खाने से भी ज्यादा स्ट्रेंथ आ जाती है, प्रोटीन इंटेक मेरा अच्छा खासा रहता है, उसके बाद सैलड इंटेक रहता है, वाटर इंटेक रहता है, बहुत सारी चीजें हैं जो मैं लेता हूँ, इसकी वजह से मेंटेन रहती है चीजें, स्ट्रेंथ और सब चीजें। फीमेल बॉडी की बात करते हैं, फीमेल में भी जो हार्मोन होते हैं, अब लोगों को लगता है फीमेल्स को कि हम अगर स्ट्रेंथ करेंगे, स्ट्रेंथ सबको करनी है, तो हम आदमियों जैसे दिखने लग जाएंगे, हमारी मसल्स बन जाएंगी। नहीं, फीमेल में टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत कम होता है। मेल के अंदर अगर 200 से 800 होता है, तो फीमेल के अंदर 10-12 से किसी की मसल्स नहीं बनते हैं। और जो आप फीमेल बॉडी बिल्डर्स देखते हो, वो अननेचुरल चीजें लेते हैं जिससे उनके अंदर टेस्टोस्टेरोन बढ़ जाता है, वो एक्स्ट्रा टेस्टोस्टेरोन लगाते हैं नेशन के थ्रू, जिसकी वजह से उनकी मसल डेवलपमेंट होने लगता है। बट नॉर्मली अगर कोई फीमेल की बात करें और नेचुरली अगर कोई वर्कआउट करता है, उसके अंदर कभी बहुत ज्यादा मसल्स डेवलप नहीं हो सकती, इम्पॉसिबल है, बट उसकी बॉडी टोन हो जाएगी,
और हमेशा हेल्थ मेंटेन रहेगी। इसीलिए स्ट्रेंथ दोनों को करना है और कार्डियो भी दोनों को करना है, सिर्फ कार्डियो नहीं करना है। इसको समझो और अपना लाइफ स्टाइल सुधारो, खाना पीना, रहन सहन, सोने का पैटर्न। जब मैं कम सोता था ना तो मैं 3 घंटे 4 घंटे तो मेरा वर्कआउट शेड्यूल बहुत कम था। ऐसा नहीं आप सो ही नहीं रहे हो, आप उल्टा सीधा खा रहे हो और उसके बाद आप कह रहे हो कि मैं 2 घंटे वर्कआउट कर लूंगा। क्यों क्यों अपनी बॉडी को परेशान कर रहे हो? आप अपना रूटीन सही करो, अपनी प्रायोरिटी जो फ्लो चार्ट है ना उसमें हेल्थ को सबसे ऊपर रखो, उसके बाद सेकंड नंबर पे फैमिली एंड देन वेल्थ। क्योंकि अगर यहाँ से चले गए ना तो ये फैमिली को भी नहीं संभाल पाओगे और वैसा तो वैसे भी नहीं आने वाला आपके पास। समझ में आ रहा है मैं जो बोलना चाह रहा हूँ? तो मिक्स करके वर्कआउट करो। बाकी हमारा जो वीक 4 वीक फ्री वर्कआउट प्लान, ट्रांसफॉर्मेशन प्लान हमारा स्टार्ट होने वाला है ग्रुप में प्रोग्राम। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आप लोग कर रहा है, बहुत मोटिवेटिंग लगता है देख के जब भी कोई चीज ऐसी हम करते हैं। और चाहता हूं मैं मुझसे जितने लोग जुड़े हो, कैटलिस्ट से जितने भी लोग जुड़े हो, हम सब एक टीम बना के आगे बढ़े और जो जो चीजें लाइफ में चेंजेस ला सकते हैं, चाहे फाइनेंस रिलेटेड हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे एजुकेशन हो, उसको अचीव करते जाए। खुश रहो, मस्त रहो और मेहनत करते रहो और अपना ध्यान रखो, तभी सबका ध्यान रख।